Hello and welcome to Darshan IAS. In this session, we are going to discuss logical positivism. और logical positivism के जो profounders हैं वो हैं Emsklick, Carnap और AJ Ayer. ठीक है, जो logical positivism है उसको हम logical empiricism के नाम से भी जानते हैं, इसके अलावा scientific empiricism के नाम से भी जानते हैं और इसके अलावा नियो एम्पिरिसिज्म के नाम से भी जानते हैं. लॉजिकल एम्पिरिसिज्म के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि ये एम्पिरिकल एविडेंसेस में बिलीव करता है, लेकिन ऐसे एविडेंसेस जो कि लॉजिकल हैं, एम्पिरिकल ना भी हो तो अगर लॉजिकल हैं, ठीक है, अगर एनालिटिकल है तो उनपे भी ये बिलीव करता है. यही डिफरेंस है पॉजिटिविज्म में और एम्पिरिसिज्म में. ठीक है, आगे बात करते हैं. साइंटिफिक एम्पिरिसिज्म ये कहता है इसको, क्योंकि ये बिलीव करते हैं जो साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं उनमें ये बिलीव करते हैं. ठीक है, नियो एम्पिरिसिज्म इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एम्पिरिसिज्म का एक नया रूप है. ठीक है, एम्पिरिसिज्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके सेंस ऑर्गन्स के ऊपर जो सेंस डेटा है उसके ऊपर ये बिलीव करता है, लेकिन जो नियो एम्पिरिसिज्म यानी कि लॉजिकल पॉजिटिविज्म है वो जो आपका एम्पिरिकल एविडेंसेस है उनपे तो बिलीव करता ही है, लेकिन लॉजिकल जो लॉजिकल एविडेंसेस होते हैं, जो लॉजिकल एनालिसिस है, ये उसमें भी विश्वास करता है. इसीलिए इसको लॉजिकल पॉजिटिविज्म बोला जाता है. आपकी यूपीएससी के सिलेबस में ये टॉपिक है आपका लॉजिकल पॉजिटिविज्म का, जिसका एक क्वेश्चन हर साल कम से कम 10 या 15 नंबर का, कभी कभी 20 नंबर का भी आता ही आता है हर साल. तो इसलिए ये जो टॉपिक है आपका, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इसको आप ध्यान से पढ़िए और समझिए. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक को, और इसके लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, 3 से 4 इयर्स के लेटेस्ट जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि उसके पॉसिबल आंसर्स किस तरीके से हो सकते हैं, उसको हमें किस तरीके से आंसर देना है. तो वीडियो के अंत तक बने रहना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जरूरी है. ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सजेशन देता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं उनके जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिल सकेंगे. बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए. ठीक है, और इसके अलावा आपके जो भी जानने वाले हैं जिनका फिलॉसफी ऑप्शनल है उनके साथ में भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं. बात करते हैं लॉजिकल पॉजिटिविज्म की. लॉजिकल पॉजिटिविज्म क्या है, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, अ फॉर्म ऑफ पॉजिटिविज्म यानी कि पॉजिटिविज्म की एक ऐसी फॉर्म डेवलप बाय मेंबर्स ऑफ द वियना सर्कल. वियना सर्कल एक जो वियना यूनिवर्सिटी थी, तो वियना यूनिवर्सिटी में कुछ लोग थे, उन्होंने अपनी एक कमेटी बना ली थी. उनका एक ही थॉट था और वो था लॉजिकल पॉजिटिविज्म. इसलिए उस लॉजिकल थॉट को, लॉजिकल पॉजिटिविज्म जो थॉट है, डॉक्ट्रिन है, उसको बिलोंग करने वाले लोगों का जो एक सर्कल बना उसको हमने वियना सर्कल का नाम दिया, क्योंकि वो वियना यूनिवर्सिटी में था. टाइम टाइम पे वो लोग मिलते थे, डिस्कस करते थे थॉट्स के बारे में और अपनी फिलॉसफी को फर्दर डेवलप करते थे. ठीक है, विच कंसिडर्स दैट द ओनली मीनिंगफुल फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स आर दोज विच कैन बी सॉल्व बाय लॉजिकल एनालिसिस. और जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म है वो ये कहता है कि जितनी भी फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सबका एक ही सॉल्यूशन है और वो क्या है, लॉजिकल एनालिसिस. किसी भी चीज का अगर एनालिसिस करना है तो वो लॉजिकल होना चाहिए. अगर कोई भी फैक्ट है, कोई भी थ्योरी है, कोई भी फैक्ट है, अगर लॉजिकली वो कंसिस्टेंट है, अगर लॉजिक के बेस पे वो ट्रू होती है तो वो सही है, नहीं तो वो गलत है. ठीक है, अ 20th सेंचुरी फिलोसॉफिकल मूवमेंट होल्डिंग दैट ऑल मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स आर ईदर एनालिटिक और कंक्लूसिवली वेरीफिएबल और एटलीस्ट कंफर्मेबल बाई ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट एंड दैट मेटाफिजिकल थ्योरीज आर देयरफॉर स्ट्रिक्टली मीनिंगलेस. ठीक है, अब जो आपका ये लॉजिकल पॉजिटिविज्म है वो ये कहता है कि ऐसे जो स्टेटमेंट्स जो कि मीनिंगफुल होते हैं, जितने भी ऑल मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी स्टेटमेंट्स हो गए, अगर वो मीनिंगफुल होंगे तो या तो वो एनालिटिकल होंगे यानी कि उनका एनालिसिस, लॉजिकल एनालिसिस किया जा सकता है, या फिर वो कंक्लूसिवली वेरीफिएबल होंगे, जिनको हम वेरीफाई कर सकते हैं. ठीक है, या फिर वो कंफर्मेबल होंगे बाई ऑब्जर्वेशन, या फिर उनको हम ऑब्जर्वेशन से कंफर्म कर सकते हैं और ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से उनको हम कंफर्म कर सकते हैं, तभी उनको हम क्या बोलेंगे, तभी हम उनको मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स बोलेंगे. क्या बोलेंगे, मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स बोलेंगे. दैट मेटाफिजिकल थ्योरीज आर देयरफॉर स्ट्रिक्टली मीनिंगफुलनेस. अब जो मेटाफिजिकल थ्योरीज हैं
उनको ना तो हम एनालाइज कर सकते हैं, ना तो उनको वेरीफाई कर सकते हैं, ना ही उनमें हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ना ही उनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, मेटाफिजिक्स को ये एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। इसीलिए एलिमिनेशन ऑफ मेटाफिजिक्स भी हम लॉजिकल पॉजिटिविज्म में ही पढ़ते हैं, और ये कहते हैं कि जो मेटाफिजिकल थियरीज होती हैं वो सारी क्या है, वो स्ट्रिक्टली मीनिंगलेस है। क्लियर। आगे बात करते हैं, पॉजिटिविज्म डिनाइज इंट्यूशन। अब जो पॉजिटिविज्म है वो क्या करता है, वो इंट्यूशन को डिनाई करता है। इंट्यूशन का मतलब होता है बुद्धि, ठीक है। वो क्या करता है, इंट्यूशन यानी कि बुद्धि को वो डिनाई करता है। प्रायर रीजनिंग को भी वो डिनाई करता है, यानी कि ऐसी रीजनिंग जो कि हम बिना एक्सपीरियंस के लगाते हैं उसको भी वो डिनाई करता है। थियोलॉजिकल एंड मेटाफिजिकल नॉलेज, ऐसी नॉलेज जो कि धर्म से संबंधित है या फिर उसका संबंध मेटाफिजिकल यानी कि फिजिकल वर्ल्ड से परे की ऐसी जो नॉलेज है, उन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है, उसको वो डिनाई करते हैं, ठीक है। लॉजिकल पॉजिटिविस्ट आज एम्पिरिसिस्ट। अब जो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट हैं वो एम्पिरिसिस्ट कहलाते हैं, यानी कि ये अनुभववादी कहलाते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देम फिलोसफी डज नॉट प्रोड्यूस प्रोपोजिशन दैट आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि लॉजिकल पॉजिटिविज्म के अकॉर्डिंग जो फिलॉसफी है उसका काम सिर्फ ऐसे ही प्रोपोजिशन को नहीं देना है जो ट्रू या फिर फॉल्स होते हैं। इट मेरली क्लैरिफाइज द मीनिंग ऑफ द प्रोपोजिशंस। ये क्या करती है, ये प्रोपोजिशंस के मीनिंग को क्लियर करती है, ठीक है। शोइंग वेदर दे आर एनालिटिक सिंथेटिक और इन केसेस नॉनसेंसिकल, और ये बताती है कि वो क्या है, वो एनालिटिक है, सिंथेटिक है या फिर वो नॉनसेंसिकल है। एनालिटिक का मतलब ये होता है उसको एनालाइज किया सकता है और सही साबित किया सकता है। सिंथेटिक का मतलब होता है कि कई सारे फैक्ट्स को मिला के आपस में अगर वो कुछ नया मीनिंग दे रहा है और उससे कुछ नया मतलब निकल गया है तो वो सिंथेटिक है, और इन अदर केसेस नॉनसेंसिकल, अगर उसका कोई दूसरा सेंस नहीं निकल के सामने आ रहा है तो वो नॉनसेंसिकल है, ठीक है। द लॉजिकल पॉजिटिविस्ट वाज प्राइमरली इंटरेस्टेड इन फॉर्मल एंड नेचुरल साइंसेज। ये नेचुरल और फॉर्मल साइंसेज में ही इंटरेस्टेड रहे हैं क्योंकि वहां पे इनको ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स मिलते हैं जिनको वो वेरीफाई कर सकते हैं, और किसके बेस पे, ऑब्जर्वेशन या फिर एक्सपेरिमेंट के बेस पे, ठीक है। इसीलिए ये नेचुरल साइंसेज और फॉर्मल साइंसेज में ही विश्वास करते हैं। एंड बिलीव दैट फिलोसफीज रोल वॉज टू कंट्रीब्यूट towards the advancement of science, और ये मानते हैं कि philosophy का जो contribution है ना वो science के advancement के लिए ही है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो science है, सारी sciences जो है वो philosophy से ही निकली है, तो philosophy किसी एक particular branch को कैसे advancement करने का काम कर सकती है, ये इस बात को भूल सकते हैं, इसको आप criticism में लिख सकते हैं। because the philosophy is the mother of all sciences and father of all arts, जैसा कि आपने पढ़ा होगा पहले भी, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल पॉजिटिविज्म एंड एम्पिरिसिज्म। अब एम्पिरिसिज्म और लॉजिकल पॉजिटिविज्म में क्या डिफरेंस होता है, इसको देखते हैं। एम्पिरिसिज्म इज अ थियरी दैट स्टेट्स दैट नॉलेज कम्स ओनली ऑन प्राइमरी ओनली और प्राइमरली फ्रॉम सेंस एक्सपीरियंस, यानी कि जो एम्पिरिसिज्म की जो थियरी है वो ये कहती है कि जो नॉलेज है वो कहां से आती है, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी या फिर वो क्या कहां से आती है, सिर्फ सेंस एक्सपीरियंस से आती है, यानी कि आप अपने सेंस ऑर्गन से जो एक्सपीरियंस करते हैं सिर्फ आपको वहीं से नॉलेज मिलती है, ऐसा कौन कहता है, ऐसा एम्पिरिसिज्म कहता है। व्हाइल पॉजिटिविज्म होल्ड्स दैट वन कैन एंड शुड अंडरस्टैंड रियलिटी वाया साइंटिफिक मेथड, जबकि पॉजिटिविज्म ये कहता है कि जो रियलिटी है उसको हम साइंटिफिक मेथड से समझ सकते हैं। अब जो साइंटिफिक मेथड है वो किसको सपोर्ट करता है, वो एम्पिरिसिज्म को भी सपोर्ट करता है क्योंकि उसमें ऑब्जर्वेशन होता है और एक्सपीरियंस की बात करते हैं उसमें भी, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के बेस पे ही उसको हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं किसको, नेचुरल साइंसेस को। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट हैं वो कौन होते हैं, वो एम्पिरिसिस्ट होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, वेरिफिकेशन थियरी ऑफ मीनिंग। अब बात करते हैं वेरिफिकेशन थियरी ऑफ मीनिंग की। ये क्या कहता है, वेरिफिकेशन ऑल्सो नोन एज द वेरिफिकेशन प्रिंसिपल और द वेरिफिएबिलिटी क्राइटेरियन ऑफ मीनिंग। अब किसी मीनिंग का वेरीफाई कैसे किया जा सकता है, उसका वेरिफिकेशन कैसे होगा, इज अ फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन दैट ओनली स्टेटमेंट दैट आर एम्पिरिकली वेरिफिएबल थ्रू द सेंसेस आर कॉग्निटिवली मीनिंगफुल। अब लॉजिकल पॉजिटिविज्म ये कहता है कि ऐसे वर्ड्स, ऐसे मीनिंग्स जिनको एम्पिरिकली वेरीफाई किया सकता है, यानी कि अपने सेंस ऑर्गन्स के बेस पे वेरीफाई किया सकता है, सिर्फ उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, उनको हम मीनिंगफुल बोलेंगे, ठीक है। आर कॉग्निटिवली मीनिंगफुल, वही कॉग्निटिवली क्या होते हैं, मीनिंगफुल होते हैं, और एल्स दे
आर ट्रुथ्स ऑफ लॉजिक टोटोलॉजी, नहीं तो वो क्या होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रुथ्स ऑफ लॉजिक होंगे जिसको हम टोटोलॉजी के नाम से जानते हैं, और वो हमें क्या नहीं देते, हमें वो रियल नॉलेज नहीं देते. क्लियर. नेक्स्ट, वेरिफिकेशन दस रिजेक्ट एज कॉग्निटिवली मीनिंगलेस. ठीक है, इस तरीके से जो मीनिंगलेस स्टेटमेंट्स स्पेसिफिक टू इंटायर फील्ड सच एज मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स, इस तरीके से जो वेरिफिकेशन है वो क्या करता है, वेरिफिकेशनिज्म है वो क्या करता है, वो एस्थेटिक्स, ठीक है, यानी कि सौंदर्य शास्त्र, एथिक्स नीति शास्त्र, थियोलॉजी धर्मशास्त्र, और मेटाफिजिक्स यानी कि तत्वमीमांसा. ठीक है, इनके बेस पे जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं उनको वो क्या करते हैं, उनको वो मीनिंगलेस बोलते हैं. ठीक है, आगे बात करते हैं. सच स्टेटमेंट्स मे बी मीनिंगफुल इन इन्फ्लुएंसिंग इमोशंस और बिहेवियर. इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो आपके बिहेवियर या फिर इमोशंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. ठीक है ना, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ कन्वेइंग ट्रूथ वैल्यू, लेकिन उनकी कोई भी ट्रूथ वैल्यू नहीं होती है. ठीक है, उनकी कोई भी ट्रूथ वैल्यू नहीं होती इन्फॉर्मेशन ऑन फैक्चुअल कंटेंट, ना ही वो कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं ना ही उनमें कोई फैक्चुअल कंटेंट होता है. ऐसा कौन बोलते हैं, ऐसा लॉजिकल पॉजिटिविस्ट बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू एजे अय्यर, जो कि एक अपने आप में लॉजिकल पॉजिटिविस्ट है, ओनली दैट प्रपोजिशन इज सिग्निफिकेंट विच इज ईदर एनालिटिकल और एम्पिरिकली वेरीफाइड. या तो वो एनालिटिकल होना चाहिए जिसको एनालिसिस किया जा सके, ठीक है, या फिर वो एम्पिरिकली वेरीफाइड यानी कि उसको हम लॉजिकल अपने सेंस एक्सपीरियंस से वेरीफाई कर सके. ठीक है, इफ अ प्रपोजिशन कैन बी वेरीफाइड एम्पिरिकली, अगर किसी भी प्रपोजिशन को हम एम्पिरिकली वेरीफाई कर लेते हैं, इट इज सिग्निफिकेंट, तो ये महत्वपूर्ण है एज नॉनसेंसिकल, नहीं तो इसका कोई भी सेंस नहीं है. ठीक है, नॉनसेंसिकल डज नॉट मीन फेबल, नॉनसेंसिकल का मतलब कोई फेबल नहीं है. इट ओनली मीन्स दैट इट डज नॉट हैव एनी कॉग्निटिव मीनिंग, इसका सिर्फ इतना मतलब है कि इसका कोई कॉग्निटिव मीनिंग नहीं है, इसका कोई कॉग्निटिव मीनिंग नहीं है, यानी कि इसका कोई बुद्धिपरक मीनिंग नहीं है, आप उसको इंटेलिजेंट मीनिंग नहीं कर सकते. ठीक है ना, बस आपकी फीलिंग्स को सेटिस्फाई करने के लिए, इमोशंस को सेटिस्फाई करने के लिए काफी है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टू से दैट गॉड एग्जिस्ट वुड बी एज नॉनसेंसिकल एज टू से दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, यानी कि गॉड एग्जिस्ट कहना उतना ही नॉनसेंसिकल होगा जितना ये कहना कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट. क्यों, क्योंकि हम इसको एम्पिरिकली वेरीफाई नहीं कर सकते, ना तो हम इसको कर सकते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करता है, ना ही हम इसको कर सकते हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं कर सकता. दोनों ही बातों को हम एम्पिरिकली या फिर एनालिटिकली वेरीफाई नहीं कर सकते, इसलिए क्या होगा, ये अपने आप में नॉनसेंसिकल स्टेटमेंट्स हैं. ठीक है, नाउ विद रिस्पेक्ट टू सच वेरिफिकेशन, इस तरीके के वेरिफिकेशन से देर आर थ्री काइंड ऑफ वेरिफिकेशन, तीन तरीके के वेरिफिकेशन होते हैं जिनको आज हम इस सेशन में नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो काफी लंबे हैं. ठीक है, उनको हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे. आप बस इतना समझ लीजिए कि जो वेरिफिकेशन होते हैं उन वो कैसे होते हैं, वो इम्पिरिकली होते हैं, इम्पिरिकल होते हैं यानी कि वो एक्सपीरियंस पे बेस्ड होते हैं और ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं. ऐसा बोलते हैं कौन, लॉजिकल पॉजिटिविस्ट. ठीक है, आगे बात करते हैं. नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे एलिमिनेशन ऑफ मेटाफिजिक्स, यानी कि मेटाफिजिक्स को किस तरीके से जो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट हैं वो एलिमिनेट करते हैं, यानी कि वो उसको नहीं मानते हैं. कैसे, मेटाफिजिकल थिंकिंग हैज बीन द डोमिनेंट ट्रेंड ऑफ फिलोसफी थ्रू द एजेस. ठीक है, काफी टाइम से जो मेटाफिजिक्स है वो आप ये कह सकते हैं बल्कि सोल रही है, किसकी, फिलोसफी की, उन चीजों को जिसको हम साइंस में डिस्कस नहीं कर सकते, बिहेवियरल साइंसेस में डिस्कस नहीं कर सकते, उनको हम फिलोसफी में डिस्कस करते हैं. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मेटाफिजिक्स है वो फिलोसफी की सोल है, वही उसकी जान है. बाय मेटाफिजिक्स वी मीन डिस्कशन ऑफ रियलिटी बियॉन्ड एक्सपीरियंस, और मेटाफिजिक्स में हम उन चीजों की को डिस्कस करते हैं जिनको हम अपने एक्सपीरियंस से क्या नहीं कर सकते, एक्सपीरियंस से नहीं समझ सकते. इट इज ट्रू मेटाफिजिक्स ऑफ फिलोसोफर्स हैव डिस्कस्ड ट्रांस एम्पिरिकल रियलिटी सच एज गॉड सोल एक्सेट्रा. ठीक है, यानी कि ऐसी चीजें जो कि ट्रांस एम्पिरिकल है, यानी कि एम्पिरिकल वर्ल्ड से परे हैं, भौतिक जगत से परे हैं, ठीक है, बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड हैं, उनको जब हम डिस्कस करते हैं तो दैट डॉक्ट्रिन इज कॉल्ड मेटाफिजिक्स, उसको हम मेटाफिजिक्स बोलते हैं. लेकिन जो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट है वो उसको एलिमिनेट करते हैं क्योंकि ऐसी चीजों को जो वर्ल्ड है, सेल्फ है, गॉड है, इन चीजों को हम लॉजिकली वेरीफाई नहीं कर सकते एक्सपीरियंस या फिर ऑब्जर्वेशन के बेस पे, ना ही इसका कोई एनालिटिकल स्टेटमेंट दे सकते हैं. ठीक है, लॉजिकल पॉजिटिविज्म ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वेरिफिकेशन थियरी ऑफ मीनिंग अराइव्स एट द फॉलोइंग कंक्लूजन रिगार्डिंग द मेटाफिजिक्स. अब लॉजिकल पॉजिटिविस्ट क्या कहते हैं मेटाफिजिक्स के बारे में,
वो ये कहते हैं दैट देयर इज नो रिलेवेंट ऑब्जर्वेशन दैट कुड मेक मेटाफिजिकल प्रपोजिशंस सच एज गॉड एग्जिस्ट, जैसे कि गॉड एग्जिस्ट जो एक स्टेटमेंट है इसको आप लॉजिकली वेरीफाई नहीं कर सकते कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, इसको आप लॉजिकली वेरीफाई नहीं कर सकते सिंस देयर इज नो कंसीवेबल वे ऑफ वेरीफाइंग दीज प्रपोजिशंस, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई तरीका ही नहीं है जिससे हम इस स्टेटमेंट को वेरीफाई कर सकें, इवन इन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में भी नहीं, थियरी में भी नहीं, सच प्रपोजिशंस आर इधर एनालिटिक और मीनिंगलेस, या तो इस तरीके के जो प्रपोजिशंस होते हैं वो एनालिटिक है या फिर वो मीनिंगलेस है, लेकिन दोनों ही तरीके से वो क्या है, वो नॉनसेंसिकल है, दोनों ही कंडीशन में वो क्या है, वो नॉनसेंसिकल है, ठीक है, जिनका कोई भी सेंस नहीं निकलता। आयर सेज दैट मेटाफिजिकल थियरीज आर द रिजल्ट ऑफ इम्प्रॉपर यूज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉजिक ऑफ लैंग्वेज, यानी कि जो मेटाफिजिकल जो थियरीज हैं वो क्या है, वो रिजल्ट है किसका, कि लॉजिक ऑफ लैंग्वेज को आपने मिसअंडरस्टूड किया है, इसीलिए आपने क्या किया है, आपने मेटाफिजिकल थियोरीज को बना लिया है। कैनैप सेज दैट देयर आर टू वेज बाय व्हिच दीज मीनिंगलेस स्टेटमेंट्स आर गिवन राइज, ईदर द वर्ड्स यूज इन द सेंटेंसेज आर नॉट क्लियरली डिफाइंड और लैक मीनिंग सच एज गॉड सोल एक्सेट्रा, ठीक है, जो कैनैप है वो ये कहता है कि इस तरीके के जो मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स हैं वो तब अराइज होते हैं जब हम वर्ड्स के प्रॉपर मीनिंग को नहीं समझ सकते कि उनका क्लियरली किस तरीके से उनको डिफाइन करना है, किस तरीके से उनका मीनिंग हमें निकालना है, जैसे कि गॉड हो गया, सोल हो गया, इनके बारे में हमें क्लियरली नहीं डिफाइन किया जाता तो इसलिए हम उनको गलत तरीके से मिसअंडरस्टूड करते हैं। द सेंटेंसेस आर फ्रेम्ड इन सच अ वे दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट वर्ड्स थ्रू दे अपीयर टू कन्वे मीनिंग इन दैट कॉन्टेक्स्ट रियली डू नॉट, यानी कि जो स्टेटमेंट्स होते हैं इस तरीके से फॉर्म किए जाते हैं कि वो उनका जो रियल मीनिंग है वो नहीं दे पाता है, ठीक है, जैसे कि गॉड है, गॉड के बारे में इस तरीके से बताया जाता है कि गॉड को हम सही से समझ ही नहीं पाते, ठीक है। एग्जाम्पल, आई थिंक देयरफॉर आई एम हियर, आई एम इज यूज्ड इनकरेक्टली, यहाँ पे जो वर्ड है कॉगिटो अर्गो सम जो कि किसका है, डेकार्ट्स का है, जो कि अपने आप में एक रैशनलिस्ट है, रैशनलिस्ट फिलोसोफर है, वो ये क्या कहता है कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूं इसलिए मेरा एग्जिस्टेंस है, ठीक है। आई एम इज यूज्ड इनकरेक्टली, अब जो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट है वो ये कहते हैं कि यहाँ पे जो वर्ड है आई एम इसको इनकरेक्टली यूज किया गया है एंड इट डज नॉट कन्वे मीनिंग एज इट इज विदाउट प्रेडिकेट, और ये अपने आप में कोई भी मीनिंग नहीं देते हैं क्योंकि इसका कोई भी प्रेडिकेट नहीं है। आई एम वॉट, ठीक है, आई थिंक देयरफॉर आई एम, आई एम वॉट, ठीक है ना, इसका कोई भी प्रेडिकेट नहीं है इसलिए इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। हेंस लॉजिकल पॉजिटिविज्म एलिमिनेट्स मेटाफिजिक्स बाय वेरिफिकेशन थियोरी ऑफ मीनिंग, और इस तरीके से जो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट है वो वेरिफिकेशन थियोरी ऑफ मीनिंग के बेस पे मेटाफिजिक्स को क्या करते हैं, वो एलिमिनेट कर देते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट कंक्लूजन, अब इसका कंक्लूजन क्या निकालेंगे हम, however the impact of logical positivism was such that even though metaphysics was not successfully refuted it was generally ignored, yani ki metaphysics ko successfully kisi ne refute to nahi kar paya lekin ha inhone ignore zarur kiya hai kyunki wo isko logically verify nahi kar paye, however in some form metaphysics was revived, wo baat alag ki hai ki jo metaphysics hai wo hamesha revive ho jati hai, theek hai, aage क्वाइन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड मेटाफिजिक्स, क्वाइन ये कहता है कि साइंस और मेटाफिजिक्स में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, दे आर डिफरेंट ओनली इन मैटर ऑफ स्कोप, उन दोनों का सिर्फ स्कोप अलग अलग होता है, दोनों का जो क्षेत्र है जो एरिया है वो अलग अलग होता है, इन जनरलिटी, किसमें, जनरलिटी में, द स्कोप ऑफ मेटाफिजिक्स इज मोर जनरल देन साइंस, अब यानी कि जो मेटाफिजिक्स का जो स्कोप है वो ज्यादा जनरल है, किससे, साइंस से ज्यादा जनरल है, ऐसा क्वाइन कहता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या कहता है, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि 2019 में आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, ठीक है, सबसे जो लेटेस्ट एग्जाम था उसका क्वेश्चन आपको बताता हूं मैं, हाउ डू द लॉजिकल पॉजिटिविज अकाउंट फॉर द मीनिंग ऑफ जनरल स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट वो होते हैं जिसमें आप किसी भी लॉजिकल एनालिसिस करके आप उस स्टेटमेंट को नहीं समझ सकते, यानी कि ऐसा स्टेटमेंट जो बेस्ड है किसके ऊपर, मेटाफिजिक्स के ऊपर बेस्ड है, जैसे कि गॉड एग्जिस्ट और गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये क्या है, ये जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है, तो इस तरीके से लॉजिकल पॉजिटिविज्म को लेते हैं कि इनका कोई भी मतलब नहीं होता, दे आर नॉनसेंसिकल। कैन द सेम अकाउंट बी अप्लाइड टू मेटाफिजिकल स्टेटमेंट, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेटाफिजिकल स्टेटमेंट भी वही होते हैं, ठीक है, डिस्कस। ये 2019 में 20 नंबर का क्वेश्चन
आया है. हाउ डू द लॉजिकल पॉजिटिविस्ट शो दैट मेटाफिजिकल सेंटेंसेस आर मीनिंगलेस. अब किस तरीके से लॉजिकल पॉजिटिविस्ट ये कहते हैं कि मेटाफिजिकल सेंटेंसेस जो है वो मीनिंगलेस हैं, वो ऐसे हैं क्योंकि जो मेटाफिजिकल स्टेटमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल गॉड एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसको हम लॉजिकली वेरीफाई नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन. इसलिए ये क्या है, अपने आप में मीनिंगलेस है. कैन देयर वेरिफिकेशन थ्योरी ऑफ मीनिंग अकाउंट फॉर द मीनिंगफुलनेस ऑफ ऑल साइंटिफिक सेंटेंसेस डिस्कस. 2018 में 15 नंबर का क्वेश्चन आया था कि क्या इनका जो वेरिफिकेशन थ्योरी ऑफ मीनिंग है वो सारे साइंटिफिक सेंटेंसेस को मीनिंगफुलनेस देता है. हाँ बिल्कुल देता है, बिल्कुल सही है ये. ठीक है, नेक्स्ट, डज द सेंटेंस वॉट एवर इज कलर्ड इज एक्सटेंडेड. अब एक सेंटेंस है, वॉट एवर इज कलर्ड इज एक्सटेंडेड, यानी कि जो कुछ भी कलर्ड है वो क्या है, वो एक्सटेंडेड, यानी कि वो कुछ स्पेस और टाइम घेरता है. सेटिस्फाई द क्राइटेरियन ऑफ मीनिंगफुलनेस प्रपोज बाय लॉजिकल पॉजिटिविस्ट. ठीक है, अब इस क्राइटेरियन को कैसे मीनिंगफुल बनाएंगे, क्योंकि लॉजिकल पॉजिटिविस्ट ऐसा कहते हैं. बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि जो कुछ भी कलर है, जो चीज भी कलर्ड है वो एक्सटेंडेड है, क्योंकि जो जिस चीज में हमें कलर दिखाई दे रहा है वो कोई चीज ही होगी ना. अब जैसे कि अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि ये जो मैंने पहना है उसका एक कलर है, तो कलर तो हम तभी देख पा रहे हैं ना जब वो कलर किसी चीज में है. अपने आप में कलर का तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है. कलर को आप कब देखते हो, जब वो कलर किसी चीज में होता है. पीछे जो पर्दे टंगे उसमें आप ब्राउन कलर बोलोगे, मैंने जो ब्लेजर पहना है उसको आप ब्राउन बोलोगे, मैंने जो शर्ट पहनी है इसको आप क्रीम भी बोल सकते हो, बादामी कलर बोल सकते हो, जो भी है. ठीक है ना, हमारे बालों का कलर काला होता है, लेकिन जो कलर है वो अपने आप में क्या एग्जिस्ट करता है, कि किसी चीज के बिना आप उस कलर को पहचान सकते हो, नहीं पहचान सकते हो. ऐसा ही लॉजिकल पॉजिटिविस्ट बोलते हैं कि कलर का अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन जब वो कोई चीज होती है कलर, तो वो क्या है, वो एक्सटेंडेड जरूर है, क्योंकि वो टाइम और स्पेस घेरती है. सैटिस्फाई द क्राइटेरियन मीनिंगफुलनेस प्रपोज बाय लॉजिकल पॉजिटिविस्ट. ठीक है, तो ये 2017 का क्वेश्चन है, जो कि आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया था. एक्सप्लेन द वेरिफिकेशन थ्योरी, डज इट लीड टू एलिमिनेशन ऑफ मेटाफिजिक्स. बिल्कुल. अब ये कहती है, अब ये क्वेश्चन है 2016 में 10 नंबर का आया था, वेरिफिकेशन थ्योरी आप एक्सप्लेन कीजिए. अब वेरिफिकेशन थ्योरी किसने दी है, वेरिफिकेशन थ्योरी दी है लॉजिकल पॉजिटिविस्ट ने, कर्नैप, एजे अयर और एम्सक्लिक, इन लोगों ने दी है. ठीक है, अब ये एलिमिनेशन ऑफ मेटाफिजिक्स की तरफ जाती है, बिल्कुल जाती है, क्योंकि जो वेरिफिकेशन थ्योरी है वो वेरीफाई करने में बिलीव करती है किसी भी स्टेटमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एम्पिरिकल एक्सपीरियंस, एम्पिरिकल एविडेंसेस. ठीक है ना, उसके बेस पे जब हम किसी भी चीज को एम्पिरिकल एक्सपीरियंस या फिर ऑब्जर्वेशन के बेस पे उसको वेरीफाई करेंगे, तो मेटाफिजिकल जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको हम वेरीफाई नहीं कर पाएंगे. तो इसका मतलब ये है कि जो मेटाफिजिकल स्टेटमेंट्स है वो क्या हो जाएंगे, वो एलिमिनेट हो जाएंगे अपने आप. क्लियर है, तो इस तरीके से इस सेशन में हमने पढ़ा कि लॉजिकल पॉजिटिविस्ट किस तरीके से मेटाफिजिक्स को एलिमिनेट करते हैं और अपनी वेरिफिकेशन थ्योरी ऑफ मीनिंग को वो प्रोपाउंड करते हैं. क्लियर, तो आपको ये सेशन कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा. इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैव एनी सजेशन, इफ यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी. अगर आपको मेरे से कांटेक्ट करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा कांटेक्ट नंबर दे रखा है, ईमेल आईडी दे रखी है. और अगर आपको दर्शन आईएएस के नोट्स चाहिए फिलोसफी ऑप्शनल के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, तो मेरी वेबसाइट है www.darshanias.com. तो वहां पे आप लॉगिन कीजिए, वहां पे आप विजिट कीजिए. उस वेबसाइट पे आपको फ्री में नोट्स डाउनलोड करने को मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में. उनको आप आराम से प्रिंट कीजिए और अपनी पढ़ाई को चालू कीजिए. जो भी आपके डाउट्स होते हैं फिलोसफी ऑप्शनल में, आप मेरे से बेझिझक कभी भी किसी भी टाइम व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फिर कॉल कर सकते हैं. आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, जिसके लिए आपको कुछ भी अलग से पे करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई क्लास. थैंक यू, हैव अ गुड डे, गुड लक.